तो हेडिंग डाल लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात जो कर रहे हैं वो है पैरेलल रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस, काइनेटिक्स। देखिए पैरेलल रिएक्शन काइनेटिक्स हमारे सिलेबस में है, किस लेवल तक है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा ये हमारे सिलेबस में है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ए इंडिपेंडली बी में कन्वर्ट हो रहा है, सही है, और ए इंडिपेंडली सी पे भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी सी में जब कन्वर्ट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है बी में कितना हुआ, और बी में जब कन्वर्ट हो रहा है सी से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास सपोज बहुत सारा रुपया है, मैं अपनी फैमिली में अलग अलग मेंबर पे अलग अलग रेशियो में खर्चा कर रहा हूँ, सही है, तो किसी पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है K1 और किसी पे कम हो रहा है K2। ये खर्चा जो हो रहा है ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि एक ही हो सकता है इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, इसमें सेकंड हो, या इसमें थर्ड हो, इसमें फर्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है रैंडमली है, उसका इससे कोई देना देना नहीं है कि इसका ऊपर वाली से लेना देना नहीं है और ऊपर वाले का नीचे से लेना देना नहीं है। लेकिन ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, शुरुआत में ये कंसेप्ट मान के चलते हैं कि जो ऑर्डर ऊपर है वही हम नीचे रखने की कोशिश करते हैं, और हमारे सिलेबस में दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर को लेके चल रहा है, इज दैट क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं आपको पैरेलल रिएक्शन के बारे में दो पॉइंट बता रहा हूँ। इन केस ऑफ पैरेलल रिएक्शन लिखते जाइए ये मेरे साथ, इन केस ऑफ पैरेलल रिएक्शंस, इन केस ऑफ पैरेलल रिएक्शंस, इन केस ऑफ पैरेलल रिएक्शंस ऑल द रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हैविंग इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट वॉट, बट मेन फैक्टर, मेन कॉमन फैक्टर इज दैट रेट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट दोनों में कॉमन है, यानी दोनों की रेट इस बात पे तो डिपेंड करेगी कि एक ही क्वांटिटी क्या है, लेकिन उसके अलावा वो तो है ही, वो कॉमन फैक्टर, उसके अलावा इंडिविजुअली वो अपने पे भी डिपेंड करेगी, सही है। मेरे पास 1 लाख रुपया है, हो सकता है कि मैं मेरी वाइफ को ज़्यादा खर्चा करूँ एज़ कम्पेयर टू मेरे बच्चों के, और बच्चों पे ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू वाइफ पे। एग्जाम्पल तो देखो मेरे को वही याद आएगा जो है मेरे साथ, ठीक है ना, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आते भी नहीं है। तो ये हमारे पास एक फैक्टर रहा। तो अब आप बताइए कि अगर मुझे कहा जाए कि रेट ऑफ ए क्या होगा, पहले तो रेट ए की किस तरह से डिपेंड करते हैं, माइनस DA/DT, ए की रेट, क्योंकि ये डिसअपियर है, रिएक्टेंट है तो डिसअपियर होगा ही होगा, माइनस लगेगा ही लगेगा, इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। तो ये दो दो जगह खत्म हो रहा है, तो जब ये बी बना ए बना रहा है, ए से बी बना रहा है, ए से बी बना रहा है, तो रेट कांस्टेंट क्या है, K1 + K1 × A, ए की पावर N1। ये तो इस तरफ गई रिएक्शन, एक नीचे की तरफ भी जा रही है, प्लस K2, वो भी ए पे ही डिपेंड करेगा, ए पावर N2। N1 N2 सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इज दैट क्लियर। ये तो रहा ए की रेट, बी की रेट क्या है, केवल बी की बनेगी तो ए से, तो पहले तो बी के लिए हमेशा प्रोडक्ट होने की वजह से क्या लगेगा, प्लस साइन, प्लस DB/DT, और किस से होगा, जो ए दे रहा है वही तो बी डिसाइड करेगा,
तो ये हमारे पास हो गया के वन ए की पावर एन वन। आर सी क्या होगा? प्लस डी सी बाई डी टी के टू ए की पावर एन टू। ये समझ में आया है? नहीं आया? लिखें इसको यहां तक। चलिए, ये तो एक छोटा सा पॉइंट हुआ। मान लीजिए हमें कुछ अच्छी कैलकुलेशंस करनी है और हमें n1 n2 दोनों दिए गए, सही है? तो हमारे लिए केस स्टडी हो जाएगा। केस स्टडी इस तरह से दे रखा है, a यहां k की वैल्यू दे रखी है x सेकेंड इनवर्स, इससे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, और यहां k दे रखा है y सेकेंड इनवर्स b में और ये c में। तो क्या आप इसकी कैसे स्टडी कर सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहला काम dA by dt की वैल्यू क्या होगी? dA by dt माइनस, आपको रेट मिल चुका है a की k1 a की पावर 1 प्लस के टू ए की पावर 1, यहां पर भी 1। तो एक तरह से देखा जाए के वन एन वन और एन टू दोनों क्या है? 1 1 है। तो इजीली हम ए कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो दिक्कत आती हमें। तो क्या हो जाएगा? एक तरह से के वन प्लस के टू ए की पावर 1। कौन से ऑर्डर की दिख रही है आपको? फर्स्ट। तो फर्स्ट की तरह ही हमारे रूल्स आएंगे, पूरा वो का वही आएगा। तो फर्स्ट आपके पास आ रही है, तो सारे पॉइंट्स हमारे पास वही आएंगे रिजल्ट्स। फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा? आपको मालूम है एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर ए नोट ई की पावर माइनस वो के वन प्लस के टू टी, एटी की यही वैल्यू है। दूसरा एक और रिजल्ट है हमारे पास, टी इक्वल टू 1/k एलन, ये के वन प्लस के टू आ जाएगा एलन ए नोट अपॉन ए टी। समझ में आ रही है? ये रिजल्ट हमने के वन प्लस के टू, पहले क्या था हमारे? सिर्फ के था। तीसरा रिजल्ट हमारे पास आएगा, वो आएगा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ अब क्या हो जाएगी? 0.693 अपॉन के वन प्लस के टू। ये तीन रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, बिल्कुल फ्लो में चलेंगे, कोई ऐसा नया हमारे को कुछ नहीं करना है। चौथा रिजल्ट हमारे पास आएगा डिसोशिएट मोल, डिसोशिएट। डिसोशिएट कैसे डिसाइड करेंगे? आप अच्छे से जानते हो ए, जो भी हमारे पास होता है डिसोशिएट कैसे निकालते हैं? ए नोट माइनस ए टी, यानी ए नोट कॉमन लिया जा सकता है, 1 माइनस ए टी की वैल्यू हमने वहां से रखी रखी है, ए e की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी, ये डिसोशिएट मोल आ जाएंगे हमें। या सुनो, चारों रिजल्ट आपके पास एक के साथ एक तैयार है, 1 2 3 4 जो हमने वहां करे थे फर्स्ट ऑर्डर वही रहेंगे। इज दैट क्लियर? केस स्टडी क्लियर है हमारे पास? लेकिन मुझसे किसी ने कहा कि बीटी की वैल्यू क्या होगी? आपने एटी की तो निकाला, बीटी की वैल्यू भी बता दीजिए। मैंने कहा बहुत आसान है, आपके पास ये डिकम्पोज हुआ, हुआ या नहीं हुआ? किस रेशियो में होगा? ये उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उनके के हैं, यानी एक्स और वाई। भाई मैंने अपने पास जितने रुपए हैं, मैंने ये सोच रखा है कि मेरा खर्चा जो हो रहा है वाइफ और बच्चों पे 1:2 पे खर्चा हो रहा है, तो जो अमाउंट खर्चा हुआ है उसमें 3 का डिवाइड करके या तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 2 से करना पड़ेगा। वही मैं यहां पर करूंगा। जब मैं बीटी की बात करूंगा तो ए नोट माइनस ए टी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बीटी की बात कर रहा हूं, तो ये मान लीजिए के वन, ये के टू है, तो के वन अपॉन के वन प्लस के टू करूंगा मैं। बोलो हाँ या ना? करूंगा। और
ए नोट माइनस ए टी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है आपके पास, ए नोट वन माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी मल्टीप्लाई बाय के वन अपॉन के वन प्लस के टू। दूसरा सी टी की वैल्यू क्या आएगी, सेम कंसेप्ट रहेगा, ए नोट माइनस ए टी को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, के टू अपॉन के वन प्लस के टू, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए नोट वन माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी मल्टीप्लाई बाय के टू अपॉन के वन प्लस के टू। हाँ या ना, ये हमारी केस स्टडी हो गई इसकी, पक्का। एक और चीज़ है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने कुछ अपनी वाइफ को दिए, कुछ बच्चों को दिए, कुछ मेरे पास भी रख लिए, तीनों मिला के रहेंगे तो 1 लाख ही रुपए। तो इसका मतलब ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी की वैल्यू वही होगी जो शुरुआत में मेरे पास थी ए नोट। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई, 3 रिलेशन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक और रिजल्ट हमारे पास आएगा और वो रहेगा किसी भी समय पे, अगर आपसे कहा जाए बी टी और सी टी का रेशियो क्या होगा, फोर्थ रिजल्ट। तो आप देखो बी टी और सी टी में ये पूरी टर्म कॉमन है, तो क्या रहेगा के वन अपॉन के टू, ये फोर्थ नंबर की इक्वेशन बनेगी। समझ में आ रही है बात, कभी भी कितना ही दूं मैं, मेरे पास कितना अमाउंट है इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, यानी ये रेशियो अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं दोनों को ज़्यादा दूंगा, 2 लाख है तो और ज़्यादा दूंगा, और 10 लाख है तो दोनों को और ज़्यादा दूंगा। कुल मिला के उनका रेशियो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि मेरे पास कितना है, उनका रेशियो अमाउंट का, उनका इंडिविजुअली अमाउंट तो डिपेंड करेगा, वो तो डिपेंड करेगा ए नोट पर इंडिविजुअली अमाउंट तो, लेकिन जब रेशियो निकालेंगे तो ये सारा फैक्टर क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ के वन अपॉन के टू रहेगा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट लिख लो पूरा। देखो फोरी रिएक्शन आपको दे रखा है के वन के टू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एक्स टी अपॉन वाई टी प्लस जेड टी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या आप एक्स टी अपॉन जो दिया गया है वाई टी प्लस जेड टी एट एनी गिवन इंस्टेंट टी पे निकालना है, मतलब कभी भी, क्या ये रेशियो इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड करेगा, करेगा या नहीं करेगा वो हमें पता चलेगा। ये है, एक और चीज दी गई है, ये सेकंड इनवर्स में है यानी फर्स्ट ऑर्डर के हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ यहां आप कैसे करोगे, एक्स टी की जगह एक्स टी लिख सकते हो आप, लेकिन वाई टी और जेड टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स नोट माइनस एक्स टी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इतना तो जानते हो एक्स टी प्लस वाई टी प्लस जेड टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स नोट, कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्स टी की वैल्यू क्या होती है, एक्स नोट ई की पावर आपको अच्छे से मालूम है माइनस के वन प्लस के टू टी इंटू टी, यहां एक्स नॉट कॉमन ले लो, वन माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। अब मैं इसको तो क्रॉस कर दिया, ठीक है, और ये वाले फैक्टर को नीचे डिवाइड कर दिया, तो वन अपॉन पूरा डिवाइड किया है हर जगह, तो e की पावर k1 प्लस k2 t माइनस वन, बोलो सही है, या आप ये समझ लो इस फैक्टर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा e की पावर क्या आएगा 0 यानी 1, आ रही है बात समझ में। तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर छोड़ सकते हो आप, ये माइनस वन इस तरफ है ध्यान रखना, तो इसका आंसर ये होगा ई की फॉर्म में टी टाइम पर सिर्फ। क्या ये इनिशियल कंसल्टेशन पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल अमाउंट पे नहीं, इज दैट क्लियर, ये सिर्फ एक रेशियो है। सेकंड सॉल्यूशन हम करते हैं,
यहां हमारे को फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है और कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, ए बी में चेंज हो रहा है और सी में चेंज हो रहा है। यहां के वन की वैल्यू एक्स से सेकंड इनवर्स नहीं हॉवर इनवर्स है, ठीक है। के टू की वैल्यू दे रखी है 10 टाइम्स यानी 10x हॉवर इनवर्स। मैंने सही लिखा? क्वेश्चन को पढ़ लो आप आराम से। इतने हॉवर है, के वन के टू 1/10 है, कैलकुलेट ये करना, ये बात का काम आ गया। पहले तो इस क्वेश्चन को ऐसे मैंने लिखा, सही है, ये 1 है ये 10 है, तो 10x लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, सी टी अपॉन ए टी की वैल्यू निकालना है। सी टी अपॉन ए टी, सी टी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनना, सी टी की जो वैल्यू है वो होगा ए नोट माइनस ए टी मल्टीप्लाई बाय जो डिकम्पोज हुआ है उसे किस रेशियो में तोड़ना है, एक्स बाई हमें लिखना है 10x अपॉन 10x प्लस एक्स, कि 10 और 1 में तोड़ना है और हमें 10 वाला लेना पड़ेगा क्योंकि सी टी वाला ऊपर लेना है। और ए टी की वैल्यू क्या होगी, ए नोट ई की पावर वो जो है माइनस के वन प्लस के टू टी। चलो एक बार वैल्यूज रखने लगते हैं, ए नोट कॉमन लेके काट देंगे और बाकी वैल्यूज हम यहाँ से रखते हैं। ए नोट लेके काट दिया हमने तो क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर के वन प्लस के टू कितना होता है, 11, 11x हो जाएगा, x प्लस 10x 11x, तो माइनस 11x टी। टी 1 घंटा दे रखा है तो 11, सही हूँ मैं, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं, कहीं कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई बाय ये x कॉमन लेके कट गया तो ये कितना होगा, 10/11, समझ में आ रही है बात। और यहां क्या रहेगा नीचे, ए नोट एंड ए नोट तो हमने कैंसिल कर ही दिया था ऊपर नीचे कॉमन, तो यहां क्या रहेगा, e की पावर माइनस, तो फाइनली ये आंसर क्या आएगा आपके पास, रेशियो आप देख सकते हैं इसका, यहां डिवाइड करा यहां डिवाइड करा तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, e की पावर 11x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 रह जाएगा इंटू 10/11। मैथ हमारी सही लगाई है हमने सब जगह, कहीं कोई टफ लग रहा है नहीं, आ गया समझ में, आ गया कंसेप्ट, एक्चुअल में फ्लो हमारा सही होना चाहिए बस। लिखें इसको, एक और केस स्टडी हम कर रहे हैं, बहुत इजी केस स्टडी। अब अगर ए ने यहाँ के वन है और यहाँ के टू है और बी और सी, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं के टू, हमने क्या नहीं पढ़ा, अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ 3 होता तो क्या होता, समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताएं अगर यहाँ 2 होता है यहाँ 3 होता तो क्या होता, मैं बताऊँ आपको। यहाँ इस कंडीशन में जो हमारे पास आर ए रेट है उसको हम बोलेंगे माइनस डी ए बाई डी टी, उसका इस 2 और 3 से क्या लिंक है, कुछ भी नहीं है, उसमें कौन सा कॉफिशेंट आता है के साथ, इसी का स्ट्रोचोमेट्रिक कॉफिशेंट, इसका 1 है तो रेट कांस्टेंट ही उनके लिए क्या हो जाएगा, 10, समझ में आ रही है, तो उनके लिए तो रेट कांस्टेंट वही हो जाएगा यानी वही के वन प्लस के टू ए की पावर 1, ये बोलते हुए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, बस तभी 1 1 लगा रहा हूँ और मैंने कॉमन ले लिया ए की पावर 1, समझ में आ रहा है। और अगर मुझसे कहा आर बी क्या होगा तो प्लस डी बी बाय डी टी, उसके लिए के वन ए की पावर 1 होता, कब होता, जब कॉफिशेंट 1 होता, लेकिन अब 1 नहीं है 2 है, 2 के 1, इज दैट क्लियर। और सी टी क्या, आर सी क्या होगा, रेट डी सी बाय डी टी 3 के 2 ए की पावर 1, समझ में आ रही है बात, क्यों, क्योंकि उसका कॉफिशेंट अलग है, तो उसका इस कॉफिशेंट की वजह से सिर्फ रेट कांस्टेंट अलग होता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर तो वही रहेगा और रिएक्टेंट ही आता है हमेशा,
क्योंकि रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, और रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि रिएक्टेंट का अमाउंट कितना खत्म हो रहा है। तो यहां तक कोई दिक्कत? एक और पॉइंट है, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी समय ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी की, और मैं ये लिख रहा हूं ए नोट, तो गलत है, क्योंकि ए नोट जितना खत्म होगा उससे दुगना तो ये बनेगा और तिगना ये बनेगा। तो दुगना ये बनेगा तो टू का डिवाइड कर दो, तिगना ये बनेगा टी का डिवाइड कर दो, या वन, खत्म। आ गई बात समझ में? तो ये ए नोट के बराबर होगा, इज दैट क्लियर? तो जो भी बी टी होगा उसमें टू का डिवाइड कर दो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बन रहा है, जो ज्यादा बन रहा है उसमें उतना ही बड़ा कॉफिशियंट आएगा, ये उससे भी ज्यादा बन रहा है, तब जाके। तो क्या आपको ये समझ में आया रिजल्ट? चलिए, ए टी की वैल्यू क्या होगी? ए टी की वैल्यू, ए टी की वैल्यू होगी ए नोट माइनस ए टी, और ए नोट माइनस नहीं, ए नोट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। क्या कोई दिक्कत आ रही है इसमें? ए टी की वैल्यू ये होगी, बोलो यस और नो। बी टी की क्या होगी? बी टी इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए कितना खत्म हुआ है बी टी, और वो खत्म हुआ है ए नोट वन माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। ये तो ए का खत्म हुआ है, लेकिन इसको कितना मिलेगा? के वन रेशो के टू में मल्टीप्लाई बाय के वन अपॉन के वन प्लस के टू। फिर उसके बाद ये उसको मिला, लेकिन उसने डबल कर लिया, तो टू कहां आएगा? सिर्फ इस जगह। कोई दिक्कत आ रही है समझने में? बहुत इजी चल रहा है, हाँ या ना? सी टी क्या होगा? ए नोट वन माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी, यानी ए टी ने इतना डिकम्पोज किया, ए ने इतना डिकम्पोज किया, लेकिन उसने सी को कितना दिया? के टू अपॉन के वन प्लस के टू, इतना सी को दिया उसने, थ्री टाइम्स किया, वो बात की बात रही, तो थ्री टाइम्स ये। अब अगर हमसे किसी ने कह दिया इस जगह बी टी अपॉन सी टी की वैल्यू क्या है, तो बहुत इजी है, सारी चीजें कट जाएगी, ट्वाइस के वन अपॉन कैसे स्टडी कंप्लीट, कोई डाउट? तो हमारे लिए ये सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं एक के बाद एक, ये भी ये भी ये भी। कौन सी ऐसी चीजें जो दोबारा समझानी है, जल्दी बोलो। सब समझ में आ गया? कौन सा वाला? ये वाला बेटा, ये मान के चलिए कि इसके पास सपोज 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपए है, सही है, इसने इसको 10,000 दिए, इसको भी 10,000 दिए, तो इसको दिए तो इसके पास कितने रह गए? 80,000। इसने 10,000 लेते ही उसको डबल कर दिया 20, और इसने 3 गुना कर दिया 30। अगर आप नॉर्मल ऐड करोगे 80, 1,30,000 हो जाएंगे, गलत हो रहा है। आप कैसे करोगे? इसने डबल किया है तो इसको 2 का डिवाइड करो, 3 का डिवाइड करो, अब ये भी 10, 10 और 80, ऐसे चलता है। तो अगर ये चीज़ इस तरह से जा रही है तो जिसमें कन्वर्ट हो रही है उसमें उतने का ही डिवाइड कर दो, इसमें उतने का ही डिवाइड कर दो और ऐड कर दो, ये आ जाएगा, तो वो इनिशियल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा ए नोट के बराबर। तो ये रिजल्ट्स पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट रिलेशन फॉर दिस इक्वेशंस। तो ये रिलेशन दिया जा रहा है, सही है या गलत है? सही है। ये दिया जाएगा, सही है या गलत है? सही है। और तीसरा दे दिया ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी इज इक्वल टू ए नोट, सही है या गलत है? ये गलत है, ये गलत है इसके लिए, तो ये गलत है इसके लिए, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन, तो आंसर क्या जाएगा? सी। अब इस अच्छे समझ में आ गया, लिख लें इसको। देखिए कुछ और रिएक्शन पे की काइनेटिक की बात कर रहे हैं, सीरीज और कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, यानी मैंने ये मैं हूँ ए, मैंने अमाउंट किसको दिया? मेरी बीवी को, बी फॉर बीवी,
वाइफ, और उन्होंने सी फोर चिल्ड्रंस को दे दिया, ठीक है ना, सीक्वेंस या सीरीज और कंसिक्यूटिव रिएक्शंस, सही है। यानी ए ने बी को दिया, डायरेक्ट सी को नहीं दिया, बी ने सी को दिया। तो के वन सेकेंड इनवर्स, के टू सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है दोनों, इस तरह से दिया है। तो ए ने बी को दिया, बी के पास अमाउंट आया, फिर वो काइनेटिक लगाएगी अपनी और सी टू सी को दे रही है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ चल रहा है। तो कभी भी अगर हम बात करें तो ए टी की वैल्यू क्या होगी, वही हमारे लिए ए की वैल्यू क्या होगी, या आपसे पूछा जाए आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर ए माइनस डी ए बाय डी टी, और क्या लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू के वन ए, या सुनो माइनस डी ए बाई डी टी के वन ए। अगर आर आपसे आर भी पूछा जा रहा है और प्लस डी बी बाई डी टी, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, के वन ए, उसके लिए के वन ए, जो इसके लिए डिकम्पोज हो रहा है वो उसके लिए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन साथ में वो डिकम्पोज भी कर रहा है, माइनस के टू बी, के टू बी, इस रेट से वो खत्म हो रहा है, यानी इसमें इस रेट से फॉर्म हो रहा है, इस रेट से खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। तो फॉर्मेशन माइनस डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू फॉर्मेशन। और अगर आर सी पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी, वो सिर्फ फॉर्म हो रहा है, तो क्या आएगा, के टू बी, किससे फॉर्म हो रहा है, बी से, तो सिर्फ बी की रेट कंसंट्रेशन आएगी। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक समझने में, नहीं? तो ये तो रहा हमारे पास एक कंसेप्ट जो हमें अच्छे से आना चाहिए। फिर इसके अलावा किसी भी समय ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी की वैल्यू क्या होगी, ए नोट, क्योंकि ए ने जितना अमाउंट बी को दिया उसमें से कुछ अमाउंट उसने सी को दिया, लेकिन हुआ टोटल क्या होगा, ए नोट के बराबर। यहाँ किसी ने भी उसको डबल या ट्रिपल करने की कोशिश नहीं की है, यानी यहाँ टू और थ्री होता तो बात अलग होती, होता तो उतने का डिवाइड करके हम बराबर कर लेते, इतना हमारे को हमारे स्टूडेंट ने सिखाया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से सीखी हुई है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। तो अब आगे अगर कोई मेरे को कहता है इसके लिए आप कैसे सोचते हो, तो मैं बहुत इजी है, ए टी की वैल्यू क्या होगा, ए नोट, उसे कोई मतलब नहीं है आगे बी किसको दे रहा है या नहीं दे रहा, उसके लिए तो फॉर्मूला वो लगेगा, ए ए टी की वैल्यू ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी, बस सिंपल है। हाफ लाइफ क्या होगी इसकी, 0.693 अपॉन के वन, ये सब चीजें होगा। डीकम्पोज मोल कितने होंगे, डिसोशिएट मोल ऑफ ऑफ ए कितना होगा, ए नॉट माइनस ए टी, यानी ए नॉट कॉमन ले लो, वन माइनस ई की पावर माइनस के वन टी। ये तीन रिजल्ट तो हमारे पास आ गए, 1 2 3 4। हमसे किसी ने कह दिया बी टी क्या होगा, तो बी टी निकालने के लिए हमारे को थोड़ा पसीना आएगा, क्यों, क्योंकि दो दो वेरिएबल आएंगे, तो हमें नहीं निकालना, कोई नहीं पूछ रहा एग्जाम में, बस इतना ही पूछा जाएगा। लेकिन आपको आपके नोट्स के लिए लिखना है तो लिख लो, बी टी की वैल्यू जो होगी वो के वन ए नोट अपॉन के टू माइनस के वन ई की पावर, बहुत, के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी, ये हो जाएगा हमारे लिए बी टी। और सी टी की वैल्यू क्या होगी, सी टी की वैल्यू देखा जाए तो ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी करके ए नोट बराबर कर दो, या ए नोट में से इन दोनों को माइनस कर दो, सी टी आ जाएगा। तो फिफ्थ, सी टी की वैल्यू क्या होगी, ए नोट माइनस ए टी प्लस बी टी कर दो। अगर आप माइनस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सी टी की वैल्यू हो जाएगी ए नोट कॉमन ले लिया, के टू माइनस के वन ब्रैकेट के टू, वन माइनस ई की पावर माइनस के वन टी ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद माइनस के वन, वन माइनस ई की पावर माइनस के टू टी ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया सी टी। तो ये हमारे पास इसकी केस स्टडी हो गई सीक्वेंस की। लेकिन एक सेकंड, और एक और रिजल्ट हमारे पास आएगा सेवन नंबर पे,
सिर्फ यहाँ तक लिख लिया आप सबने, बस अब रुक जाओ एक सेकंड, एक और रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहा है और वो है कर्व 6 नंबर का। आपको क्या लग रहा है ए की वैल्यू कैसे चलेगी? फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे उसे मालूम ही नहीं है आगे बी टी भी क्या चल रहा है, तो ये रहेगी ए टी की वैल्यू। यस और नो? बी टी की वैल्यू क्या होगी? इधर से मिल रहा है इधर से जा रहा है, लेकिन पहले शुरुआत में तो मिलेगा, पहले तो अमाउंट क्या होगा बढ़ेगा, फिर मिलना कम होता जा रहा है क्योंकि इसकी इसका अमाउंट कम हो रहा है, लेकिन देना जा रही है तो पहले क्या करेगा, ये स्टार्ट यहां से होगा फिर इस तरह से जाएगा कम, समझ में आ रहा है? और सी का क्या होगा? सबसे बाद में मिलेगा, क्यों? क्योंकि पहले तो ए से बी को मिल रहा है, वेट कर रहा है अब मिलेगा, फिर बी उसको सी को दे रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा और लास्ट में सबसे ज्यादा यही रहेगा। तो ये हो गया बी टी, ये हो गया सी टी। तो ऐसा कर्व जो पहले बढ़कर कम हुआ है वो कौन है? बी टी। बाकी सब या तो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं या कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो कुल मिला के हमारे पास ये चीज आ रही है, ऐसा कर्व एक ही है जो पहले बढ़कर और फिर कम हुआ है। तो बेटा यहां क्या लिखा हुआ था? कंसंट्रेशन, और यहां क्या लिखा हुआ है? टी टाइम। तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? बी मैक्सिमा, यानी इससे ज्यादा बी की कंसंट्रेशन नहीं आएगी, और ये क्या कहलाएगी? टी मैक्सिमा, जिस पर बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम आई थी। क्या इसकी मैक्सिमम निकाली जा सकती है? तो वो तो होगा शुरुआत में, बस वही मैक्सिमा थी। क्या इसकी मैक्सिमा निकाली जा सकती है? इनफाइनाइट पे होगी, और वो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट पे। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए नोट, बस एक ही आएगा, उसके बाद तो आ ही नहीं सकती। इसकी निकालनी है हमें, तो इसके निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बी टी को इक्वल जीरो करके पीक पॉइंट निकालेंगे, वही डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बी टी के लिए जो मैक्सिमम आएगी टी मैक्सिमम, वो आएगा ए नोट मल्टीप्लाई बाय के वन अपॉन के टू मल्टीप्लाई बाय की पावर के टू अपॉन के टू माइनस के वन। ये मैक्सिमम वो टाइम आएगा जब बी की मैक्सिमा थी, और थी कितनी वो वैल्यू आएगी आपके पास, ये तो आएगा बी मैक्सिमा, और किस समय पे आएगी वो आएगा वन अपॉन के वन माइनस के टू एल एन के वन अपॉन के टू, यानी वो टाइम जिस पर बी मैक्सिमा है वो ये है, यानी ये वैल्यू तो ये वाली है और ये वैल्यू ये वाली है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, डेराइव करने का ना टाइम आपको मिल रहा है ना कुछ है, तो वो या तो आए नहीं बहुत अच्छा है, आए तो आपको ये याद रह जाए, थोड़ा थोड़ा हिंट भी रहे तो भी आप ऑप्शन देख के तो समझ ही सकते हैं, बोर्ड में नहीं है ये डेरिवेशंस। तो अच्छी बात है, सीक्वेंस जो हम कर रहे हैं सीरीज रिएक्शन और वो दोनों ही नहीं है, बस इतना है जो हमने रिजल्ट 1, 2, 3 करे थे वहां तक है, बाकी के नहीं है। तो ये कौन सा रिजल्ट हुआ? 7th। ये कौन सा हुआ? 8th। आ रही है बात समझ में? तो ये आपने लिख लिया, क्या यहां तक लिख रखा है आपने? एक और चीज मेरे को समझानी है आपको, सिर्फ इतना सा 1 और 2 समझना। कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए ए बी में चेंज हो रहा है और बी सी में चेंज हो रहा है, के वन दे रखा है और के टू दे रखा है, और के टू बहुत बड़ा दे रखा है के वन में, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने मेरी वाइफ को पैसे दिए, बी को दिए, बीबी को, उसने हाथों हाथ दे दिए, इसका मतलब यही है बहुत तेज है के टू, तो उसके पास कभी भी बहुत ज्यादा अमाउंट आ ही नहीं पाएगा, रुक ही नहीं पाएगा, इधर दिया वापस दे दिया, दिया दिया, तो कुल मिला के क्या होगा? ये तो रहा ए जो धीरे चल रहा है, बी क्या होगा? मिलते ही दे रहा है वो तो, समझ में आ रहा है? और सी क्या रहेगा? तेजी से बढ़ेगा, तो बी कभी भी इस पॉइंट को जरूरी नहीं है क्रॉस कर पाएगा, यानी बहुत तेजी से निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? बी को जो मिल रहा है वो तो वापस दे रहा है, मिलते ही दे रहा है, तो उसका अमाउंट बढ़ ही नहीं पाएगा बहुत ज्यादा। और दूसरा केस, अगर के वन बहुत ज्यादा है तो ये बहुत पीक तक जाएगा फिर नीचे आएगा, समझ में आ रही है बात? तो ये अलग पॉइंट हो गया, एक और केस
कर्व स्टडी, समझ में आ रहा है? इसको जनरल वे में कर जाओ आप ज्यादा सही करोगे, लिख लें इसको। चलिए एक अच्छी सी केस स्टडी करते हैं, बहुत इजी लेवल की। देखिए ध्यान से, ए ने बी को बनाया और सी ने भी बी को बनाया, और बी क्या कर रहा है, डी ई एफ बना रहा है। इस तरह का स्टडी करना है, के वन के टू के थ्री के फोर के फाइव, और सभी फर्स्ट ऑर्डर की है। सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। आपसे पूछा जा रहा है आर बी क्या होगा, आर बी क्या होगा, और आपने प्लस डी बी बाई डी टी लिख दिया। प्लस का मतलब फॉर्मेशन लिख दिया। तो जब आपने फॉर्मेशन लिख दिया तो हमेशा क्या होगा, फॉर्मेशन माइनस डिसोसिएशन, और अगर आपने यहां माइनस लिख दिया तो डिसोसिएशन माइनस फॉर्मेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मेशन कैसे निकलेंगे आपका, के वन ए प्लस के टू सी माइनस, यानी यहां पर यही रिएक्टेंट है, माइनस के थ्री बी, क्योंकि यहां रिएक्टेंट ये है, बी आएगा, माइनस के फोर बी, क्योंकि रिएक्टेंट अब बी ही रहेगा, के फाइव बी। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस स्टडी हो गई इसकी, पक्का। एक है हमारे लिए केस स्टडी और हमारा इंतजार कर रही है, और वो है, ये तो केस फर्स्ट, एक और केस सेकंड। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है के वन के टू, तो और आपसे आर ए पूछ रहा है, आर ए की माइनस डी ए बाई डी टी डिसअपियर है, तो डिसअपियर में क्या करोगे, रिएक्टेड माइनस फॉर्मेशन। तो कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू के वन ए माइनस, क्योंकि फॉर्म भी हो रहा होगा ये तो डिसो, के टू बी, बी आएगा, हाँ क्योंकि इस जगह रिएक्टेंट बी है और इस जगह रिएक्टेंट ए है, तो के वन के साथ ए और के टू के साथ बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर लीटर पर मोल पर सेकंड है और यहां सेकंड इनवर्स है, तो अंतर क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर होगी और आते वक्त सेकंड ऑर्डर हो जाएगी, समझ में आ रहा है? इसको हम बोलेंगे के फॉरवर्ड, इसको बोलेंगे के बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तो बता सकते हो क्या होगा, के वन अपॉन के टू। उससे कोई मतलब नहीं है कि ए के ऊपर क्या पावर है, बी के ऊपर क्या पावर है। ये पावर कैसे डिसाइड की, ये इसकी यूनिट्स है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ टू लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पर वन लगेगा, कोई दिक्कत समझने में? तो ये आपके रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो मैं आपको कोई भी एग्जांपल दूंगा, तो उसके अंदर सपोज यहाँ पर लिख दिया 2.3, यहाँ लिख दिया 3.2, तो और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो 2.3 डिवाइडेड बाय 3.2, यहाँ कंसंट्रेशन लिख रखा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसके ऊपर क्या पावर है, हमें तो सिर्फ के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, अच्छे से बोलो, बहुत अच्छे से, ठीक है तो लिख लें इसको।